आज हम बहुत ही हेल्दी और नया नाश्ता बनाने जा रहे हैं। किसके लिए? मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है और ये मैंने आधी कटोरी दही ली है। सबसे पहले हम सूजी को प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और ये हमने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिया है और ये जो दही लिया है, दही से सूजी का हम डो लगाकर रेडी कर लेंगे। हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं। फ्रेंड्स, हम इस डो में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दही से ही हम ये डो लगाकर सेमी सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एक कटोरी सूजी है तो उसमें आपको आधा कटोरी दही लगेगा। ये देखिए, दो हमारा लगकर रेडी होगा। अब हम हल्का सा हाथों में ऑयल लगाएंगे और इसको पतीले की हेल्प से खूब अच्छे से मैश करके साइड में रख दूंगी। जब तक हमारी सूजी फूल जाएगी तब तक ही आगे की तैयारी कर शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए, हमारा डो ऑलमोस्ट लगकर रेडी हो गया। हमें इसी तरीके का सेमी सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करना है। ये देखिए, अब हमने गैस पे थोड़ा सा ऑयल चढ़ाया, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, सरसों के दाने डालेंगे। ये देखिए, मसाला हमने डाल दिया है। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे, राई को क्रैकर होने देंगे और जो हमने सब्जियां ली हैं वो हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी है और हमारे घर में तो जब हमने बनाया तो सबको बहुत पसंद आया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हमको इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हम इसको हल्का सा सौते करेंगे, हल्की सी क्रंची होनी चाहिए ये सब्जियाँ। बस हमको इसी तरीके का इसको बनाकर रेडी कर लेना। आप गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, मीडियम टू लो गैस पे इसको बस 2 मिनट तक आप इसी तरह पकने। ये देखिए, हमारी सब्जियाँ गल गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम आगे वीडियो में बने रहिएगा, इसका नाश्ता बनाएंगे। ये देखिए, आटा हमारा रेस्ट कर चुका था, स्टफिंग हमारी रेडी हो गई थी। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हाथों से गोल गोल करके, हाथों में ऑयल लगा के इसकी पतली सी लोई बेलकर, जैसे हम लोग रोटी पराठा बेलते हैं उस तरीके से इसकी हम पूड़ी बेलकर रेडी कर लेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे। ये देखिए, ये बहुत ना मोटी ना बहुत पतली, इस तरीके से हमको बेल कर रेडी करनी है। इधर हमने गैस पर पानी चढ़ा दिया है और इस तरीके की एक जाली ली है, इस पर हम ऑयल लगा देंगे। जाली पर हमने ऑयल लगा दिया है और पानी को अच्छे से अब इसके ऊपर हम छोड़ देंगे, जब तक हम थोड़ी सी लोई इसको और बेल लेंगे। और जो स्टफिंग हमने बनाकर रेडी करी है इसको इसकी एक साइड पर रखेंगे। और इसको हम धीरे धीरे रोल कर देंगे, दबाते हुए, स्टफिंग को दबाते हुए हम इसको रोल करते जाएंगे। हल्के हाथों से करिएगा, हो सकता है ये लोई हमारी स्टफिंग इसकी खुल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए, हम आपको एक और बेल कर दिखाते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको स्टीम में होने के लिए छोड़ दिया है।
एक जरूरी टिप्स फ्रेंड्स, इस तरीके का नाश्ता बनाने के लिए जो इसके साइड के एजेस होते हैं उसको बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी स्टफिंग निकल जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे फिर से हम एक याद दिलाते हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। अब हम इसको मीडियम टू लो गैस पर 5 मिनट तक इसी तरीके से स्टीम होने देंगे। ये नाश्ता हमारा सीख गया है, अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा ठंडा हो गया था। और दोस्तों, हमने एक ये गेहूं के आटे से भी रोल बना के रेडी किया है। आप इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना कर रेडी कर सकते हैं, प्रोसेस आपका यही रहेगा। अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और हम इसके अंदर एक अच्छा सा चौक लगाएंगे, उसके लिए हमने गैस पर थोड़ा सा ऑयल चढ़ाया है, थोड़े से सरसों के दाने डालेंगे, सरसों के दाने अच्छे से चटकाने के बाद हम इसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से होगा क्या कि जो हमारा चौका लगेगा उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आएगा, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए नाश्ते में हमने छौंक लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा। और हाँ दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिला दें कि आप चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और प्रेस और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं कि हमारा ये नाश्ता कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मैं तो चलिए इसको एंजॉय करने, और आप भी बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे बनाए हुए ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी।